उपखंड से जिले की मांग कर रहा ब्यावर शहर किसी जमाने में राजस्थान का मैनचेस्टर कहला चुका है। व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यालय रहने वाला यह शहर आज प्रदेश में अपने वजूद को तरस रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्यावर शहर पूरी तरह पिछड़ गया है। राजस्व के आधार पर देखा जाए तो ब्यावर का नाम कई जिलों से आगे है। ढेरों मायनों में आगे रहने के बाद भी तवज्जो नहीं मिल पाने के कारण पीछे कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अब इस कमी को दूर करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। शहर के नकारा जनप्रतिनिधित्व ने इस शहर को रसातल की ओर ही ले जाने का काम किया है। सरकारें कोई भी आई हो, किसी ने इस शहर के साथ न्याय नहीं किया। केवल आश्वासनों के झुंझुने थमाकर रोते बच्चे को चुप करने की भांति शहरवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में अब जनप्रतिनिधित्व के दम पर नहीं, जनता के दम पर ही कुछ पाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आजादी के बाद ब्यावर शहर की उपलब्धियां मानो थम ही गई थी। जानकारी के अनुसार सन 1975 में नगर सुधार न्यास स्थापित की गई थी। इसके पश्चात 1978 में न्यास को वापस ले लिया गया था। सन 1956 में CMHO कार्यालय स्थापित करने के पश्चात 2006 में इसे वापस हटा दिया गया था। इसके बाद विकास के नाम पर तो मानो ब्यावरवासियों के लिए सौगातों की रफ्तार थम सी गई। सालाना तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व देने के बाद भी ब्यावर की उपेक्षा की जा रही है। जिले की मांग को बरस बीत गए, मगर किसी भी सरकार ने सुनवाई नहीं की। आज भी यहाँ के लोग इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि इस वर्ष ब्यावर को जिले की सौगात मिल जाए। मगर दुर्भाग्य तो यह है कि आज तक इस ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं। इतिहास के पन्नों में गुम ब्यावर की खूबियां केवल किताबों में ही दफन है, लेकिन अब व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के जरिए इन खूबियों को आमजन तक पहुंचाया जाना जरूरी हो गया है। ब्यावर अपने आप में अनेकों खूबियां समेटे हुए हैं, जिनमें राजपुताना का मैनचेस्टर, सूचना के अधिकार एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक, विश्व में क्रॉस की आकृति पर बसाया गया एकमात्र शहर, अतः भू खनिज वन एवं प्राकृतिक संपदा वाला शहर, केंद्र व राज्य सरकार के भरपूर राजस्व का स्रोत, देश की सीमा प्रहरियों का शहर, आज भी प्रशासनिक प्रशिक्षण का स्थल, लगभग 1750 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ एकीकृत उपखंड आदि शामिल है। अपने प्रतिष्ठान के विज्ञापन पर पाइए आकर्षक ऑफर। जय स्काई चैनल पर आज ही अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देवे और पाइए आकर्षक ऑफर। 2 माह के विज्ञापन पर अतिरिक्त 1 माह फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, तो आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9829050867।